महेंद्र सिंह पालनी जी, श्रीमान प्रेम प्रकाश जोशी जी, श्रीमान वेद प्रकाश शर्मा, श्रीमान किशन सिंह रोहतेला, मयूर विहार फेस्त्री, एक कार्यक्रम बस इस मेरे नाम लेने के साथ ही कार्यक्रम दीप, जो हमारी महिलाएं हैं जिन्होंने पकारे थे, मयूर विहार फेस्त्री, श्रीमती लक्ष्मी विश, श्रीमती रेखा चौहान, श्रीमान रमेश विश, श्रीमती नमिता नयाल, श्रीमती उमा, श्रीमती साक्षी चमोली, श्रीमती मीना नेगी, ईस्ट विनोद नगर, श्रीमान दीपक डंडियाल, श्रीमान नित्यानंद नौडियाल, श्रीमान महेशानंद जोशी, श्रीमान एस एन जदली जी, श्रीमती नेगी, श्रीमान बी एल ढोंडियाल, श्रीमान गोविंद राम पोखरियाल, श्रीमती पूनम नेगी, श्रीमती उर्मिला भारद्वाज, दीपक जी जी, दीपक जी आप गेट पे चले जाएं, कुछ मेहमान हमारे आने वाले, दीपक ढोंडियाल जी दो चार लोगों को लेकर गेट पे पहुंच जाएं। इन सभी का सम्मान होना है, हमारे बीच में हमारे बहुत सारे गणमान्य अभी पधारे हैं, आप सभी का स्वागत है। सरस्वती वंदना के लिए आना, आप तैयार रहें और सरस्वती वंदना के लिए उपस्थित रहें। Bye.
सरस्वती मैया की जय। बहुत स्वागत मी भगवान परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कर दूं कि आपक छत्र छाया हमार जो ये भारतीय जनता पार्टी पार्टी है वो बहुत विकास करे और जय जय तरह से ये देश उन्नति करनी चाहिए, उन्नति जारी रहो। हमारे बीच में हमारे जो एक कार्यक्रम संयोजक थी जो प्रेरणा से हमें काम पूरी दिल्ली NCR में करना छो जो हमारे फिर 40-42 जगह हमारे क्लास लगे यार। आज हमारे जो बच्चों का सम्मान जो होना जो टीचर को जो सम्मान होना चाहिए वो एक हमारे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर विनोद बछेदी जी थी। मैं आप हार्दिक स्वागत करूँ और बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट कर दूँ कि आप अपने समाज के प्रति इतना निष्ठावान छे और हमेशा लोग अपन समाज के प्रति अपनी मातृभाषा के प्रति और अपन देश और धर्म के प्रति जागरूक होना अपन बुना रहने ना। हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश भारतीय दिल्ली प्रदेश उत्तराखंड प्रकोष्ठ संयुक्त प्रभारी अर्जुन राणा जी से, अर्जुन राणा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में पूर्व पार्षद है भारतीय जनता पार्टी सत्या जोशी जी आपका भी स्वागत है। हमारे बीच में आशीष गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष जी आपका भी स्वागत है। हमारे बीच में बिमला राणा जी छिन जो कि हमारे लोक गायक हीरा सिंह राणा जी उन धर्मपत्नी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं अब भगवत मनराज जी से अनुरोध कर दूं कि एक प्रस्तुति रूप का बात जो है हमारे जो पंडित जी आएगी ना वो हमारे संगठन महामंत्री जी द्वारा जो दीप प्रज्वलित कर ला एक प्रस्तुति खुण आपक जो टीम आएगी भगवत मनराज जी आप देखिए प्लीज। अब वो के नाम विजयपाल भुसाई जी आप हैं और बीएड हुई कुछ ऐसे भी हम सब जल्दी जल्दी प्रूफ प्यास लगनी पानी 30 लगनी तो सामने पानी डिस्पेंसर हमारे लगाया जी आप लोग पानी पी लिया और अगर कोई व्यवस्था कोई दिक्कत हुई तो हमारे जलपान मैंने संजय संजू और जो जी आदरणीय विनोद बछेदी जी बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ। कम शब्दों में उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे बीच में अपनी बोली भाषा हमारे पूरी दिल्ली प्रदेश में जो बच्चे प्रवासी यहाँ रहते हैं उनको बोली भाषा सिखाने का प्रयास किया। साथ में हमारी बड़ी बहन सत्येश्वरी जोशी जी जो कि अपनी भाषा के प्रति बहुत समर्पित रहती है और दयाल लेगी जी तो अब पूरे क्षेत्र में ही मैं इनका देखता हूँ कि अपने काम कर रहे हैं। और आज हमारे बीच में संगीतकार आदरणीय मोती साजी जो कि कीबोर्ड बजा रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। महेश गंधर्वी जी ढोलक पे बैठे हुए हैं। खेमचंद बछेदी जी ने दुख के टाइम पे कोरोना काल में बहुत सहायता करी, सभी कलाकारों की तरफ से मैं उनका धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आज इस मंच पे भगवत मंडाल जी के निर्देशन में गणेश वंदना माँ नंदा आशीष गुप्ता जी मेरे बचपन के मित्र हैं, आज मैं इनको इस नाम का माँ सुनंदा की एक सप्रेम भेंट के साथ। चौदी सास खेती दो कागा दूध भात भोजन। राहुल भट्ट जहाँ कहीं भी हो कोरस में आ जाए राहुल भट्ट। खेती दो कागा गणेश हो तेरा हो
भाजपा प्रदेश महामंत्री सिद्धार्थ नंदन जी की ओर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत भाई साहब। जय हो बद्रीनाथ भगवान, बद्री विशाल की जय हो, हरि हरिद्वार की जय हो।
सूरज गुलाब छे मल विनय नाच पाड़ी तू जो की रास छे सूरज कथाप छे मल विनय नाच पाड़ी तू जो की रास छे आ तू जो की रास छे कर दिए पधारा हिंदी भी बोला के लिए कि कोई
ओम नारायणाय नमः केशवाय नमः पादभाय नमः त्रिराजम्यम् ओम महादीपकनाथाय नमः तिलक लगा दो ओम महाजजमान स्वस्ति भाले तिलकम् महादित्यावशवो रुद्रा विश्वे देवामरुद्गणः तिलकं देवरक्षन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये स्वस्ति तिलकम् गद्धत्वा रामदुरादर्शा नित्यभुष्टां करीषणिमीश्वरीं सर्वभूतानां तामि होपहवे श्रियम् ओम गंधद्वारामदुरादर्शा नित्यभुष्टां करीषणिमीश्वरीं सर्वगंधानां तामि होपहवे श्रियम् गंधदा ओम हस्ते दीपक का ध्यान कीजिए दीपक फूल ले लो आप लोग पहले दीपक नाथाय नमः वारार्थी गंधाक्षर वृषभाणी समर्पयामि ओम दीपकनाथ नीचे रखो ये ले लिए माजी लगाए दीपक जला दीजिए सब लोग दीपक का ध्यान कीजिए ओम जय पालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तु ते जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूताजतिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तु ते शुभम भवतु कल्याणम आरोग्य नाशाय दीपज्योतिकपाल कुंडली दंडपाणी स्तरुण धरणी लोभ्याल यज्ञोपवीति कतुर्जव्रजव्रयाथ सिद्धिदाशाधकानां दीपकनाथाय नमः कर्म साक्षिणे नमः ओं हरि ओं भद्रम कृणे भीषणयाम देवा भद्रम पशेमाक्षभिजत्राः स्थिरैरङ्गै दुष्टवागं सस्तन ृपेमि देवित जरायो सदा भिन्न शरदो हंति देवाजद्रान शक्राचर शनो नम पुत्रशोजद्र पितरो भवंति मानो मदियारीखतायुर्वंदो हरिदुर्धोरदितिरंतरिक्षमदितिर्माता अदिति पंच जन अदिर्जातमदिर्जनि शांतिरेव शांति शांति सुशांतिर्भवतु हाथ जोड़ करके भैरव जी का ध्यान करें सब लोग ओम दिव्य राजसेव्य मान भावनादि पंकजं प्यालयज्ञ सूत्र बिंदु शेखरं कृपाकरं नारदादि योग बंद बंदितम दिगंबरं काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे बोल भैरवनाथ भगवान की जय मैं हमारे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर विनोद बच्ची जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे महामंत्री सिद्धार्थ जी का स्वागत करेंगे महामंत्री जी का एक शॉल और बुके से स्वागत करेंगे हमारे भारतीय जनता पार्टी मयूर विहार जिला अध्यक्ष डॉक्टर एक टोपी से स्वागत कर रहे हैं दीपक डंडियाल जी जो हमारे अभियान दिल्ली हरिशहर एक भूखे संसद के त्याग से आपने दिनेश धानी जी आप आए साथियों आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद आज के जो सम्मान जो शिक्षक सम्मान थी वहाँ को 2022 को आज वो शुभ दिन जी हम सब का बीच में भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली प्रदेश का संगठन महामंत्री आदरणीय सिद्धार्थन जी उपस्थित जोर से तालियों से स्वागत हो चलो हम सब लोग दिल्ली में जो भी सेवा कार्यकर्ता निवेदन कार्यकर्ता हूँ ये कार्यक्रम में दिल्ली एनसीआर का सभी संस्थाओं का सभी प्रमुख लोग सभी टीचर सभी उनके बच्चों का पेरेंट्स टीचर आप सबको मैं नमन कर दूँ धन्यवाद कर दूँ और आप सबको आशीर्वाद एनसीआर और उत्तराखंड में जो हमारे क्लासेस चल रहे हैं वो वहाँ मिल दूँ आज ये कार्यक्रम में जो शिक्षकों का हम सम्मान करना चाहें वहाँ पौड़ी गढ़वाल में भी जो शिक्षक लोग हमारी क्लास चल रहे हैं वो भी आए सन देहरादून में जो क्लास चल रही है टीचर भी आए सन फरीदाबाद भी नहीं इंद्रपुरम वैशाली भी नहीं जो टीचर्स हैं उनको सम्मान चाहिए एक बार आप प्रवस्था भी जोर से ताली होनी चाहिए आप सभी हम सब का बीच में जो आज के कार्यक्रम थी ये कार्यक्रम मैं आदरणीय सिद्धार्थन जी को बहुत बहुत आभार धन्यवाद करता हूँ कि हम जो भी कार्यक्रम करता है लोगों का उनका सान्निध्य में हर विषय होंगे और वो हमते हमेशा सहयोग मिल दो और चाहे उत्तराखंड जो सबसे बड़ी जो शहर थी दिल्ली थी किले की दिल्ली में उत्तराखंड का हर जिला का लोग रंदन तो हम लोग उत्तराखंड का जुड़े बहुत सारे विषयों पर उनका माध्यम से उनका सहयोग से उनका आशीर्वाद से हम उन विषयों पूरा करना और प्रयास करना तो मैं सीधा सीधा अब
रियाल सिंह नेगी से निवेदन कर दूँ कि जो हमारे शिक्षकों को सम्मान को कार्यक्रम शुरू हो। धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर साहब। जन की आप सब लोगों को पता चले कि कोई भी कार्यक्रम आज दिन अकेले नहीं कर सकते, कहने कहते हैं मतलब सहयोग का जरूरत पड़ा था, तो डॉक्टर साहब वाले ये जिम्मेदारी मीत आई और मी दगड़े जो टीम से लोक भाषा साहित्य मंच अध्यक्ष दिनेश ध्यानी जी छा, हम मी दगड़े बिहार सहयोगी रेखा चौहान जी छा, दीपक डंडियाल जी परिचय भी डॉक्टर साहब कराई, तो मैं अग्नि जो हमारे जो गढ़ोली कुमारी जौन सारी शिक्षकों को सम्मान हो सम्मान होने अपने सहयोगी रेखा चौहान जी था अग्नि भुला चाहूँ कि रेखा चौहान जी आप आवा और अग्नि जो हमारे बच्चों हो जो शिक्षक छे उनको सम्मान करावा। सेंटर जो है हमारे उमी श्रीमान महिपाल सिंह नेगी, गिरीश लकेड़ा जी, मदन सिंह भंडारी जी और मोहन सिंह रावत जी व रमेश चंद जी का आमंत्रित कर लूँ कि वो मंच में आवा और सम्मान लीजिए। चेहतपुत फरीदाबाद वाले सेंटर श्रीमान रमेश हितेशी जी, श्रीमती गोदाम्बरी पुड़ाकोटी जी, श्रीमान हरीश लक्ष्मी, कृपया कर आगे ना जाए। सुशांत विहार कुराड़ी, कमालपुर कुराड़ी, कमालपुर पुराड़ी बटी, प्लीज मंच बटी मोड़े गया। श्रीमान हर्षपति उत्तराखंडी जी, श्रीमती संगीता बिष्ट जी और श्रीमान कमालपुर पुराड़ी, तोमर कॉलोनी पुराड़ी, श्रीमती संतोषी मंडवाल, श्रीमती तुलसी रावत, अरे भाई साहब क्या है तोमर कॉलोनी, विवाह शास्त्री पार्क बुराड़ी, श्रीमान उमेश चंद डुंगरियाल, सुरेंद्र पटवाल जी और श्रीमान हरीश पटवाल जी, स्वागत है कुछ कृपया कर पाओ मंच पर मोड़ है जे भाई को कहीं जाना था और कैसे आप ठीक है आखिरी बात पुराड़ी।
हो गए वहाँ पे श्रीमान दिनेश ध्यानी जी, श्रीमती मनोरमा तिवारी जी। गढ़वाल भवन बटी श्रीमान दिनेश ध्यानी जी एवं मनोरमा तिवारी जी। और शुरुआत भी है, अभी हमने अपने कुछ सेंटरों का स्वागत किया है। आप सभी लोग धैर्यपूर्वक बैठे रहें, सभी गणमान्य यहाँ पे हमारे बीच में हैं। हमारे जिला महामंत्री संजीव जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हमारे जो अगली प्रस्तुति, हमारे लोक गायक भुवन रावत जी जो हैं हमारे बीच में अपनी प्रस्तुति देंगे। मैं अनुरोध करता हूँ, क्योंकि अगर कोई बोलता है तभी दूसरा समझने की कोशिश करता है, तो मेरा अनुरोध है रेखा जी के पहले भुवन रावत और उसके बाद एक हमारे जो है किसी सेंटर से एक बच्चे को उनकी प्रस्तुति के लिए तैयार रखें। भुवन जी, तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि हर रोज हर प्रोग्राम की भांति आप प्लीज आगे आके व्यवस्था खुद ब खुद आप व्यवस्था बनाएं। और हेलो हेलो दर्शक मेरा दर्शक निर्गा में बैठे सभी प्राधिकों का स्वागत है और बच्चे साहब की तरफ से हम सभी कलाकारों को गाने बजाने के लिए बुलाया गया था कि उनको पहुंचे हैं। बड़ी सब कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो म्यूजिक प्रभाग के पहले जो विभागाध्यक्ष थे चंद्रशेखर पंत साहब ने उस गहरों को भी यहाँ बजाया, लेकिन फिर भी उतना नहीं बढ़ पाया। उसके बाद मोहन उपेंद्र ने उस गहरों को बजाया और देश दुनिया में बहुत कुछ उस धुन को काफी सराहा गया और काफी अब काफी प्रसन्न हो गया। लेकिन अब गहरों में लोग गा नहीं पाते हैं या उसके बाद गीत नहीं होते, वो अलग बात है, लेकिन गहरवा धुन गोपुली बो रानी गोपुली तुम जाए धुरा गोपुली
की शुरू आलू का कुटू का वो चाह की शुरू का अब पानी की तुड़ू का जोशीजू अब तुम्हार घर सड़कों को किनार पड़ू मेर लागनी हमें घर जाड़ में 120 फुटू का आंगो पुली बो पुली बो गाड़ी को पुली फिर न जाए को पुली न चरा चुराना अरे को पुली न मेरे परना को पुली न को पुली बो गाड़ी को पुली न फिर न जाए चुरा को पुली न चरा चुराना अरे को धन्यवाद सभी प्राप्त सभागार में उपस्थित सभी प्राप्त स्वागत अभिनंदन धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये सम्मान समारोह उपस्थित सभी पवित्र जनों को मैं उत्तराखंड हमारा बीच में ये साल हम उत्तराखंड तीन जगह गढ़ोली कुमाऊं कला से चले श्रीनगर गढ़वाल देहरादून और डोई वाला देहरादून। तो हमारा बीच श्रीनगर बड़े श्रीमती संगीता फरासी जी श्रीमती सुनीता बहुगुणा जी श्रीमती कुसुमलता गाड़िया जी और श्रीमती उषा गौड़ जी उपस्थित छे। यहाँ का अतिरिक्त श्रीमती अपूर्वा फरासी और श्रीमती नंदी बहुगुणा जी भी लगातार गढ़ोली और कुमाऊं क्लास शुरू करें। तो अभी हम थोड़ा देर हमारी नई दिल्ली सांसद हमारे बीच में हुई और वो का हाथ से हम चंद गुण सम्मान दिए जाओ। पट्टी खाटली जिला पौड़ी गढ़वाल में उप जन्म बाजवा वो 19 अगस्त 1960 को उक ट्रेनिंग खत्म हुआ 19 अगस्त 1961 को वो चौथी गढ़वाल रेफर में भर्ती हुई और फिर चाइना के द्वारा भारत में घुसपैठी करना शुरू कर दिया अरुणाचल प्रदेश में। वे द्वारा जसवंत सिंह रावत जी ड्यूटी भी अरुणाचल प्रदेश में लग गई और फिर जब भारत सिंह बड़ा कम को जाना था तो चाइना को भारत कमांडर उनसे ही वापस बुला दिया पर उन्होंने तीन सैनिक ने मने जसवंत सिंह रावत दिलीप सिंह नेगी गोपाल गुसाई इन तीनों ने पर आखिरी सांसों तक लड़ फिर आखिरकार वो जसवंत सिंह रावत जी अलग अलग दिशाओं में जा गई अकेले ही फायरिंग करना था। उन्होंने 72 घंटों तक अकेले 300 से ज़्यादा सैनिकों थे मौत के घाट उतर दिया फिर जब चाइना उनसे देख दिया तो उनसे ही चढ़ी चढ़ बढ़ गिर दिया और उनसे बंदी बना दिया। चाइना से भी बाद में यह यकीन नहीं हुआ कि जसवंत सिंह रावत हमारे तीन उन्हें बहादुरी देख के एक उनको सारा मूर्ति बना दिया और उनको सारा मूर्ति भारत से लौटा दिया। भारत भी अरुणाचल प्रदेश में ही जसवंत सिंह रावत जी को एक मूर्ति बना और कम 5 सैनिक आज भी ड्यूटी कर ली कहे जान के जसवंत सिंह रावत जी आत्मा आज भी बॉर्डर पर ही रखवाली कर शहीद जसवंत सिंह रावत जी को 4 लाइन गाना सुनाना चाहूँ। तलवारों पे सर कुवार दिए अंगारों में जिस्म जलाया है तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी रहे ना रहे। ऐ मेरी जमीन महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे
दिखाना पड़े कभी रंग तेरा जिस से निकल के खून कहे ओ हीर मेरी तू हंसती रहे तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो मैं मरता था जिस मुखड़े पे जाला कम ना हो ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है तू कहती कि तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है तेरी मिट्टी बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू सब सोस भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका ओ वतनावे मेरे वतनावे तेरा मेरा प्यार निराला था कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है केसरी धन्यवाद नारगो डुमलोट पट्टी ढोंडियालसु जिला पौड़ी गढ़वाल जनकी आप सब लोग जंडी उत्तराखंड देवभूमि च यक देवी देवतों का वास और बहुत सारा मंदिर बचा उत्तराखंड में चार धाम ची केदारनाथ श्री बद्रीनाथ यमुनोत्री और गंगोत्री केदारनाथ धाम रुद्रप्रयाग जिला में छा केदारनाथ माँ भगवान शिव जी की पूजा हुंड केदारनाथ मंदिर अप्रैल बटी नवंबर तक ही खुलू रहंड चुंदा दिनों में जब मंदिर बंद रहंड तब केदारनाथ जी की पूजा उसी मठ में हुंडी कि मंदिर जान खुणी 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर पड़ी केदारनाथ मंदिर जान खुणी अप्रैल बटी केदारनाथ मंदिर जान खुणी बस या टैक्सी द्वारा गौरीखुंड तक पहुँच सकती गौरीखुंड बटी पैदल घोड़ा या पालकी द्वारा मंदिर तक पहुँच सकती मंदिर में रहन खुणी होटल या धर्मशाला भी बनिया छी मैं आप सभी लोगों से निवेदन कर दूँ आप सभी लोग उत्तराखंड का मंदिरों दर्शन करना जरूर आया धन्यवाद जय बाबा केदारनाथ ये हमारी पहुँच ये दिल्ली की पैदाइश और आप लोग याद साक्षी छो कि हमारा बच्चा अपनी भाषा कंसे बहुत बहुत धन्यवाद और अब हमारे बीच में श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी उपस्थित छन मैं श्रीमती सत्या जोशी से निवेदन कर लूँ कि आप धमन चंद लेके आला और मैं आज ने डॉक्टर विनोद बच्चे जी से निवेदन कर लूँ कि अपनी बात हमारे बीच में भारत सरकार में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री और केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री हमारी बड़ी बहन मीनाक्षी लेखी जी हम सबका बीच में उपस्थित छी एक बार जरा जो बात दे रहे थे आज उनको बहुत ज्यादा व्यस्त है अपने बीच में लोगों का जो अपने अभी दिल्ली एनसीआर में 42 जगह जो हमारे गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी की क्लास चली है उन प्रयासों के माध्यम से एक छोटे से प्रयास थी कि हम अपने बच्चों थे अपने जो जन्मभूमि हमारे उत्तराखंड की भाषाओं थे थोड़ा बहुत ऊंचा टच दे सका वहाँ को एक छोटे से हमने उदाहरण आपको आप सुनी इन करीबन ये साल करीबन 1700 बच्चों ने हमारा एक सत्य दीदी से निवेदन हो भी आ जाए एक कंठी माला से भी हमारी भारत सरकार में केंद्रीय विदेश और सांस्कृतिक राज्य मंत्री
इस संस्था को अगले साल पूरे 100 साल हो जाएंगे। उसके अध्यक्ष अजय बिस्ट जी भी हैं, उनका भी हार्दिक जी, बहुत सारे हमारे सामाजिक लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके प्रेरणा स्रोत, जिनके सानिध्य में हम लोग सेवा भाव को करते हैं, आदरणीय, ये सारी प्रेरणा उन्हीं की है। हार्दिक आभार धन्यवाद करता हूँ, आदरणीय करण जी, आदरणीय अपने संजीव जी, सभी साथियों का आभार धन्यवाद। और दयाल सिंह नेवी जी ने गुरु का पहले हम लोग जिन शिक्षकों का सम्मान करना है उनका एक एक करके नाम लिखे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। पहले बताएं हमारे बीच में श्रीनगर गढ़वाल देहरादून अड्डो वाला बटे की और आप तक बड़े बच्चा और हमारी श्रेणी में जो अच्छा पौधे भर चले तो आपको स्वागत है। श्रीमती सुनीता बहुगुल जी भी बहुत अच्छी समाज सेवक छ और श्रीमती कुश अनुरोध है कि इन सबके स्वागत के लिए तालियों से ही सम्मान दे सकते हैं। हमारी उत्तराखंडी गढ़वाल जो कि हमारे पूरे दिल्ली एनसीआर और उत्तराखंड को बचाने के लिए हार्दिक अभिनंदन करना चाहिए क्योंकि आज जो बोली विलुप्त हो रही है हमारे गढ़वाल में ही सबसे ज़्यादा विलुप्त हो रही है। मेरे को मजबूरी में हिंदी में बोलना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे मेरे को आगे से लिख के आया था कि वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। संगीता फरासी जी श्रीनगर बढ़ाए जनता दो मिनट को अपनी बात रखना और उसके बाद और तक बोलना। संगीता जी जल्दी जल्दी आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका विशेषकर जिन्होंने यहाँ पर बुलाकर इस सम्मान योग्य हम सबको समझा और आपकी इस पहल को हम चाहते हैं और आगे और चरम ऊंचाइयों तक पहुँचाएँ। घर 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 तक पहाड़ी भाषा अपना भाई बहनों की हर की जुबान पर अपनी भाषा हो का हर भाई बहनों तक पहुँचाने कोशिश करना चाहिए। धन्यवाद आप लोगों बहुत बहुत। हमें रेखा फाउंडेशन निवेदन कर ऐसा सखी सहेली फाउंडेशन श्रीमती सीता चंद्रा जी और पुष्पा देवी जी विभाग मुनिरका बेटी अनीता जोशी जी और दिनेश चंद्र जोशी जी और श्रीमान धनराज जी विभत राम पार्क लोनी बटी श्रीमान सूरवीर सिंह बर्थवाल संगीता भट्टी व राधा मेहरा जी दिनेश चंद्र जोशी जी व धनराज जी तिमारपुर बटी श्रीमती पिंकी रावत जी श्रीमान रवि फुलारा जी एवं श्रीमान देव फोनिया जी
कालका जी बेटी, श्रीमान मनोज कुमार द्विवेदी जी, श्रीमती सुनीता वेलवाल जी और श्रीमान चंद्रकांत नेगी जी। विभव श्रीमान मदन सिंह बेस्टी, वैशाली सेक्टर 5, वैशाली सेक्टर 5, श्री मदन सिंह बेस्टी जी, श्रीमती रामेश्वरी नादान जी, श्रीमती श्रीमान चंदन सिंह नेगी जी, श्रीमान मनोज ज्वाल जी एवं श्रीमान गोपाल सिंह धामी जी। त्रिलोक जगदीश कुकरेती जी, श्रीमती गुट्टी कुकरेती जी, श्री मधु जगवान जी। मैं आप सभी अनुरोध छू, कृपया जतु ताली दे पेट पे मणि थोड़ा इन परेशान ले के कहन चाहिए। तू मेहनत कर रहे नूल, ये तू गर्मी में तो गर्मी में इन क्लास चले रही। मैं बड़ी बहन मीनाक्षी लेखी जी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद करता हूँ कि आपने आज अपने बहुमूल्य समय में आज हम सब रात को 2 बजे क्लब दिल्ली चंडीगढ़ से दिल्ली पहुँची हैं। उसके बाद भी आपने कहा था कि मैं उत्तराखंड समाज के बीच में जरूर आऊँगी और सभी अपने जो पहाड़ के लिए काम कर रहे हैं उन सबसे मिलना चाहूँगी। मैं सीधे सीधे दीदी से निवेदन करूँगा, हम सब पास की बातें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। चंडीगढ़ से नहीं, गुरदासपुर से आई थी, इसलिए ज़्यादा समय लगा क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी थोड़ा वाया अमृतसर है। की हाल हरियाली, की हाल जी। देखिए मेरा उत्तराखंड से थोड़ा सा रिश्ता है, वैसे की हाल पंजाबी में भी कहते हैं। की हाल जी और की हाल हरियाली, ए उत्तराखंड पंजाब हम सब रिश्तेदारी हैं और मेरी रिश्तेदारी जो उत्तराखंड से है वो मैंने कहा आज आपको बता दिया जाए। मेरी रिश्तेदारी है कि 1947 के बाद जब पार्टीशन हुआ तो हम लोगों का परिवार एक ज़मींदार परिवार था जो अब हिस्सा भारत का पाकिस्तान के पास है। बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी लेकिन भारत में उतनी ज़मीन इस हिस्से में थी नहीं जो किसी को दी जा सके,
तो जितने ऐसे जमींदार लोग थे उनको उत्तराखंड की तरफ भेज दिया गया जो कि पहाड़ी क्षेत्र था और साथ में कठिन क्षेत्र था, जंगल का इलाका था। तो जो आज आप बसा हुआ पाते हैं गदरपुर, रुद्रपुर वगैरह, तराई का जो क्षेत्र है वो उस जमाने में जंगल का क्षेत्र होता था। तो वहाँ पर ज़मीनें दी गई जो बहुत मेहनत से हमारे पूर्वजों ने, खासतौर पे मेरे दादा आदि ने उसको पकाया बनाया। लेकिन स्थिति जो है कोई लॉ एंड ऑर्डर की बहुत अच्छी नहीं थी। कुछ कारणों से दादाजी की मृत्यु के बाद पिताजी अभी यंग थे तो हमें दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा। लेकिन आज भी मेरा उत्तराखंड से बहुत पुराना रिश्ता है और वो रिश्ता जो मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पूर्वज हजारों सालों से और कई सौ साल से तो पक्का ही हरिद्वार में, जो हमारा क्रियाक्रम होता है वो हरिद्वार में होता है। तो कहीं भी रहे वो फाइनल डेस्टिनेशन जो है, जो आखिर में जहाँ भगवान ने सबको लेके जाना है, वो हरिद्वार है हमारा क्षेत्र। पूरे परिवार का जो खाते हैं वो वहाँ पर पाए जाते हैं। तो यही कारण है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हम सब एक ही तरह के लोग हैं। कुछ कारणों से हमारे भाई बहनों को पहाड़ों की तरफ जाना पड़ा और इसीलिए वो रिश्ते बहुत गहरे हैं। और आज मोहन जी वो उत्तराखंड से हैं, रावत जी वो उत्तराखंड से हैं, शशि कुकृति वो उत्तराखंड से हैं। तो उत्तराखंड वाले तो मेरा दफ्तर पूरा संभालते हैं और जितनी मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं वो भी आपके बीच है, उनके बारे में मेरे को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उत्तराखंड से मेरा जो रिश्ता है वो बहुत पुराना है और आज की जो दिन है उसमें मैं ज़रूर याद करना चाहती हूँ अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, जिन्होंने राष्ट्रीय भाषा को बढ़ाने के लिए तो काम किया ही, लेकिन जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उस नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर मातृभाषा पर काम किया। और मातृभाषा में चाहे वो गढ़वाली है, चाहे वो कुमाऊनी है, उन सब के ऊपर भी कि अपनी मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा दीक्षा पाँचवीं क्लास तक और अच्छा हो आठवीं क्लास तक दी जाए। उसका कारण है जैसा कि भाई साहब बता रहे थे कि अपनी मातृभाषा में जब बच्चे को शिक्षा दी जाती है तो उसके साथ संस्कार भी आ जाते हैं। और संस्कार जो परिवार में माँ के द्वारा, दादा दादी नाना नानी के द्वारा बच्चों को दिए जाते हैं वो कभी भी स्कूल में फॉर्मल एजुकेशन के तहत नहीं मिलते हैं। इसलिए मातृभाषा जो है बहुत महत्वपूर्ण है और उसी मातृभाषा के अंदर संस्कार और ज्ञान बच्चों को प्राप्त हो। साथ ही जो इतना बड़ा साहित्य है जो हमारे पूर्वजों ने लिखा वो साहित्य जो है वो समाप्त ना हो। उसमें चाहे अगर हम गढ़वाली की बात करें तो गढ़वाली के अंदर चाहे वो देवी देवताओं से जुड़ा हुआ साहित्य है, मैं वो दोनों बच्चों की बात सुन रही थी जो पूरा साहित्य के रूप में बता रहे थे कि बद्रीनाथ केदारनाथ चारों धाम यमुनोत्री गंगोत्री इतनी दूरी उत्तर पास, वो हमारे पूर्वजों के स्थान हैं और उन स्थानों के विषय में, उनकी वनस्पति के विषय में, उनके जो वन्य जीवन है उसके विषय में, जो हमारे साधु महात्मा वहाँ रहे और इतनी तपस्या की उनके विषय में, भाषाओं के माध्यम से वो ज्ञान आने वाली पीढ़ियों को प्राप्त होता है। और उसी ज्ञान को अगर हम अन्य भाषाओं में ट्रांसलेट करें, उसका भाषा अंतरण करें, तो वही भाषा अंतरण जो है सबको हम दे सकते हैं और साथ ही उस क्षेत्र के इतिहास को बचाया जा सकता है। और यही कारण है कि मातृभाषा पर अधिक से अधिक बल देने की आवश्यकता है। और गढ़वाली की अगर मैं बात करूं तो चाहे जयदेव बहुगुणा जी का नाम हो, चाहे राजा सुदर्शन जी का नाम हो, चाहे लीला दत्त कोटनालता की जी का नाम हो, ये सब ऐसे नाम हैं जो आप सबके मन और मस्तिष्क में बैठे हुए हैं और हम सब लोगों को भी, हम जैसे लोगों को भी हिंदी अनुवाद के माध्यम से थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने का जो है मौका मिलता है। और जो भाषा का साहित्य है वो अगर हिंदी या अन्य भाषाओं में अनुवाद होगा तो
तो वो अधिक से अधिक जनसंख्या तक हम पहुंचा सकते हैं और क्षेत्र की सभ्यता संस्कृति को उसके माध्यम से जीवित रख सकते हैं। एक और भारत सरकार का जो एक काम चल रहा है वो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, और उस आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम उन सब शहीदों को जिनके विषय में जानकारी कम है उनको भी हम याद कर रहे हैं। और आज जब उत्तराखंड की बात हो, जब कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र की बात हो, तो अनेकों अनेक ऐसे शहीद जिन्होंने भारत भूमि की रक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया, उन सबको भी याद करने का दिन है। और मैं जब आई तो वो बच्चा गाना गा रहा था, वो उत्तराखंड के इतिहास का जिक्र कर रहा था और हम सबको प्रेरणा दे रहा था कि ये ऐसी वीरों की भूमि है जहाँ पर प्राणों की बाजी लगाकर भारत भूमि की रक्षा और बलिदान करने के बाद भारत भूमि की रक्षा उत्तराखंड के लोगों ने की है। और आज इस मौके पर जब भाषा क्षेत्रीय भाषा के रूप में हम उत्तराखंड की भाषाएं कुमाऊनी और गढ़वाली को मना रहे हैं, तो मैं खालू सिंह महार जी का ज़रूर नाम लेना चाहती हूँ और उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ कि ऐसे बड़े बड़े सेनानियों के माध्यम से ही आज भारत भूमि की रक्षा हो पाई है। और उत्तराखंड उन्हीं वीरों की भूमि है जिन्होंने अपने प्राण भारत भूमि के लिए न्यौछावर किए। उसी प्रकार से अगर हम कुमाऊनी की बात करें तो रीता गिरी जी, गोपी सिंह, गोपीदास जी और जयतराम जी, ऐसे कई नाम हम सब के बीच आते हैं जिनके माध्यम से हमें क्षेत्र का वातावरण, एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज, देवी देवताओं की कथा, साधु संतों की वाणी, ये सब प्राप्त होती है। और इसीलिए मुझे लगता है कि भाषा को संयोजना और भाषा के रूपांतरण दोनों होना बहुत आवश्यक है ताकि अधिक से अधिक लोगों को वो ज्ञान प्राप्त हो सके। और जहाँ तक भारत सरकार का विषय है, नई जो शिक्षा नीति है उसके अंदर जो है दीक्षा नाम का पोर्टल जो है वो बनाया गया है जिसमें 32 भाषाओं में से एक भाषा गढ़वाली भी है, और उसके माध्यम से जो है ज्ञान का स्रोत चलता रहे, बढ़ता रहे, उसी में उसको एक मान्यता भी दी गई है। उसी प्रकार से दूसरा पोर्टल जो है वो निष्ठा है, इसमें टीचर्स ट्रेनिंग के जो मॉड्यूल्स हैं वो सभी भाषाओं में उपलब्ध है। और निष्ठा के माध्यम से जो भी नए टीचर, चाहे भाषाओं के टीचर हों या अन्य ज्ञान के टीचर हों, लेकिन वो क्षेत्रीय भाषाओं के अंदर उस ज्ञान को बच्चों तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं और निष्ठा के माध्यम से उस बात को आगे बढ़ाने का काम किया जा सकता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा काम है वो विद्यांजलि का क्रम रखा, इसके लिए मैं आप सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जो कि उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंच की ओर हरीश जी को और जितने वॉलंटियर यहाँ बैठे हैं सभी मेरे भाई बहनों को आज के दिवस की आवाज नहीं आ रही है, उत्तराखंडियों की आवाज नहीं है, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद जय भारत। एक विषय है थोड़ा सा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं यहाँ पर जो अपनी गढ़वाल जो भवन है पचकुए रोड में, जिसको अगले साल पूरे 100 साल हो जाएंगे, उसके अध्यक्ष आदरणीय अजय बिष जी से निवेदन पूर्वक मंच पर आएँ, और श्री MS रावत जी उनसे भी निवेदन है कि वो मंच पर आएँ, श्री दीनदयाल बदुनी जी जो वरिष्ठ पत्रकार है उनसे निवेदन, आदरणीय ध्यानी जी, महावीर सिंह राणा जी और अनिल पंत जी, मेरा आप सबसे निवेदन है कि एक बार आएँ। साथियों, हम सब की बहुत लंबे समय से मांग है कि जो हमारी गढ़वाली कुमाऊनी भाषा है संविधान के 8वें अनुसूची में इसको स्थान मिले, इसके लिए हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को हमने पत्र भी हमने भेजे हैं, उसकी वहाँ से भी हमें पॉजिटिव इसकी मतलब आगे जो एक इस दिशा में बहुत ही सकारात्मक काम हो रहा है। इस मंच के माध्यम से अपने समाज के वरिष्ठजनों के माध्यम से मैं एक पत्र आप सबसे निवेदन करूँ कि भारत सरकार में केंद्रीय विदेश एवं सांस्कृतिक राज्य मंत्री बहन मीनाक्षी लेखी जी को एक पत्र दें ताकि देश की संसद के अंदर आपके माध्यम से हमारी जो गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी भाषा है इसको अतिशीघ्र
ये भाषा किस तरह हम बचा सके, इसके तहत ये पहल उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंच और दिल्ली एनसीआर उत्तराखंड की सभी सामाजिक जी आगे कि दो उत्तराखंड की संस्कृतियां वो जरूर देखते जाएं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, मैं धन्यवाद करता हूं केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जी का। हमारे बीच में बहुत सारे गणमान्य हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में रवि नेगी जी हैं जो कि पड़पड़गंज विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे बीच में नरेंद्र कंडारी जी हैं, हमारे बीच में मंगल सिंह नेगी जी, हमारे बीच में मोहनी शर्मा जी हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इससे पहले कि आप सभी लोग आप सभी को पता है हमारी संस्कृति के लिए हम ये काम कर रहे हैं, तो मैं आप सभी के बीच में अपनी लोक नहीं हाँ नीचे हमारी लोक गायिका शगुन उनियाल बेबी बच्ची है, शगुन उनियाल अगली प्रस्तुति के लिए तैयार है। और उसके बाद हमारे बीच में हमारे सुप्रसिद्ध लोक गायक मुकेश कठैर जी प्रस्तुति देंगे। तो आप लोग सभी जो पीछे महिलाएं हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि आगे जगह खाली आगे आ जाए, अभी प्रोग्राम बहुत देर चलने वाला है, प्रस्तुति दें। सभी का सामने अपन ही एक बहुत ही प्यारो सी गीत गाने छो रंगीलो मुल्लो। रंगीलो
पालीवाल आप भी आवा और अपने बात बताओ कि आप अंत के हमारे क्लास में सीख आप अनु बेटा सिया पालीवाल और हमारे माँ कुलदेवी के मंदिर ले जाना
और उक बाद में अपन गर्म छुट्टी बटी दिल्ली आ जानो मेघ पहाड़ बहुत याद आने उक बाद और इसलिए मेघ पहाड़ जाना बहुत भय रहा हूँ और मैं न्यूयॉर्क कैन जानू। तालियों से स्वागत करें बच्चों का। आए चौहान जी, हेलो, मेरा नाम कोमल चौहान छ, आप सबू तमिल नमस्ते। मेरे पापा का नाम रतन सिंह चौहान छ, मैं उत्तराखंड जिला टिहरी गढ़वाल तहसील दे प्याग पट्टी हिंडलोखाल बिटिन छौ। अब तुम्हें तो लग लो कि यू नौत हमारे सुनया होला क्वे का न कह का इन तीनों माँ क्वी न क्वी नौत सुने हो। तो आज हम जन उत्तराखंड तय देव भूमि उत्तराखंड नौ से जाना जाना। आज मैं उत्तराखंड माँ एक प्रसिद्ध मंदिर धारी देवी का बारा माँ बतौन चाहूँ। अब धारी देवी के लिए हमर देखा हमारा मंदिर डांडो में देखता, पर धारी देवी एक नदी का बीच में स्थित है। तो आज हम अपने धारी देवी प्रसिद्ध मंदिर का बारा को इतिहास तय जानता। तो जो धारी देवी मंदिर छ वो धारी नौ की एक नौनी जो कि सात भाइयों की एक बहनी छ। उनका माँ बाप जो छो जब छोटी छ उबरी मर गए छान, तो उनके सात भाइयों के मतलब ग्रह जन दिखाउन जन की हो तो यहाँ हम उत्तराखंडियों में इनके ग्रह दिखावा कि यूँ तो ऊन बियन करी ग्रह दिखा दें। तो पता चली कि वी का ग्रह जो छान अपने सात भाइयों से भी जानते जन। अब टाइम के अनुसार वी का पाँच भाइयों की मृत्यु भी जानी, द्वि बचदन द्वि सोचदन कि हमार भी यानी न भेजो तो हम की करदन ईदे मार देंदन। वो रात में की करदन वी को मार देंदन गौ काट देंदन और वी ते नदी किनारा छोड़ देंदन। नदी को नौ के छो अलकनंदा जग की धारी देवी स्थित छ। हम पे जन पता छ कि धारी देवी श्रीनगर माँ अलकनंदा नदी का बीच माँ स्थित छ। जब वह बगी बगी ते अग्नि जान दी तो वह कलिया सौड़ नौ को एक गाँव छ पग मर जान दी। तो एक आदमी देख दो कि एक नौनी पानी में बगड़ी छ, वो ते बचाणो जन नहीं जान दी। तब रो वखन आवाज आन दी कि तू मैं बचाणो हो मैं तुए ते अपनी बाटू बना लूँ। जन ही वो आदमी अग्नि जान दू वे ते वख सीढ़ी बन लग जान दिन। अब धारी की कर दी वे धारो जन उठाऊ दो तो ऊ देख दो ये तो सरी सारा धड़का खा और जन वेते उठाते पत्थर पर रख दू। तो धारी अपने पूरे जीवन के बारे में बताऊ दे कि कन के भाइयों ने तो मारे माँ के बाद मूर्ति जो पत्थर पर रख दी वह एक मूर्ति को रूप ले जन दी और वह बोल दी कि मेरी अम्मू ने एक दिव्य भव्य मंदिर को स्थापना कीजिए। तो वह मुखी कर दन वो स्थापना कर ये मान्यता छे हमारे धारी देवी मंदिर का बारा में। धन्यवाद। और यहाँ का बाद अब हम उत्तराखंड बिटिन तो छीन दी छा, अब यू सुनौले इतिहास तुम ते लग लू कन बोर करी ते जाने। तो मैं आप उत्तराखंड में गढ़वाली भाषा में द्वि लैन गाना का रूप में सुनौन चाहू छ। ना उकाल ना उदार सीणु सैणु धार धार गो को बाठू मेरा गो को बाठू ए जानू कभी मठ मठू समाज गो पिठाई कुरिवाज खोली खोलियो माँ गणेश मोरी नारायण विराज मेरा गाँव माँ मोरी नारायण विराज मेरा गाँव माँ देवी देवताओं कथान धर्म करम पुण्य दान छोटू बड़ू सबु मान पौड़ो देवता समान मेरा गाँव माँ पौड़ो देवता समान मेरा गाँव। धन्यवाद। धन्यवाद यू बच्चों हमारे जो सेंटर बोली भाषा सीख है और भी किले की कार्यक्रम बच्चों की जो मैं आप सभी से अनुरोध कर दूँ कि आप थोड़ा पेशेंस है, आप तो थोड़ा टाइम देला, आप बैठा रहला किले हमारे दूर दूर बैठी गए अभी बुराड़ी और लोनी सब जगह पर दूर दूर बचे हैं जी। बुराड़ी सेंटर में छी अभी हमारे जो बहुत सारा सेंटर विनोद नगर ईस्ट विनोद नगर वेस्ट मयूर विहार फेज थ्री तिलोकपुरी सब जगह जो हमारे गणमान्य यहाँ माया छी और हमारे जो यूँ सेंटर को शिक्षक सम्मान भी करना है। मैं अनुरोध छ अभी जो दुई बच्चा छोटा छोटा हमारे अभी बुराड़ी सेंटर पर छी वो बुरा छी केवल दुई शब्द है मतलब ऊँ हमारे भूमि सही स्वाति रावत और रितिका नेगी। मैं आपसे अनुरोध छ कि आप सेंटर जो प्रमुख छ केवल दुई शब्द मतलब दुई मिनट से ज़्यादा नहीं बोले
ताकि और हमारे जो क्षेत्रीय जनता जो उसे अनुरोध की आप हमते 2 घंटा 1.5 घंटा टाइम और दिया और लोगों को सम्मान बढ़ा। अभी एक बात तुरंत बाद मुकेश कठाई जी तैयार छे ना वो आप थे एक सांस्कृतिक प्रसिद्धि वाला तो स्वाति रावत आज मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ 2-3 मिनट को कुछ बोलना चाहती हूँ। तो मेरे गांव उत्तराखंड का छोटा टिहरी जिला का छोटा सा गांव कोटी भैगुर में है। तो मैं यूँ बोलना चाहती हूँ जेकर नहीं आंदी अपना बच्चों से गढ़वाली में बात करा अपनी संस्कृति का आगे बढ़वा रहा और अब साल में एक बार कम से कम तो के गांव ले जा तो के अपनी संस्कृति दिखा। हम उत्तराखंडी छाया का वस्तम सब तो फर्ज कर दूँ कि हम के अपनी भाषा जरूर सीख चैन। बस धन्यवाद धन्यवाद बेटा। बच्चा तेरा भूल गया छो लेकिन मिलू हूँ वाली के दिल छोड़ कर लंबू टाइम मतलब जो ज़्यादा देर तक होना सोची रहा हूँ। अब मैं रितिका नेगी था भूलियाँ छू आ जा बेटा। पहला मेरा नाम म्यार नौ रितिका नेगी छ और म्या बाजू नौ चंदन सिंह नेगी छ और म्या इजा नौ मंजू सिंह नेगी छ और म्या गौ नौ धारकोट छ और मैं जब भी आप उत्तराखंड जान छू मैं वह घूमना झांगुरबाग और घूमन में तालेश्वर मंदिर और जब मैं म्यार माँ पिछौड़ी और नथुली या फिर मांगटी का पेरेंट्स है तो वो भल लागे छे। धन्यवाद धन्यवाद बेटा। आप शॉर्ट टाइम अपन टाइम मतलब बात रख और म्यार सब लोगों से अनुरोध कि अपनी मातृभूमा भूमि और अपनी जो बोली चे वही था ना भूला कि कुछ समय आलू कि हम जो चे अपनी मातृभूमि पर भूल तो भूल जाओ। अब मैं मुकेश कठे जी से अनुरोध करो कि वो जल्दी से आया और अपनी परिस्थिति के लिए कि लोग बहुत बेचैन छी आप परिस्थिति को नहीं। मुकेश कठे जी जब हमारे अकादमी के लोग जाला तो निश्चित तौर पर हमारे भाषण पर जो है कि हमारे सांस्कृतिक बात आग्रह पर निमंत्रण पर मैं आपका बीच में छो और डॉक्टर MS रावत जी डॉक्टर विनोद बच्चे जी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक गीत आपका बीच में रूढ़ी बॉको और एक जौनसारी गीत श्री जगमोहन मिश्र जी जो की बुरारी बिटी ये कार्यक्रम की शोभा बढ़ाना छन आपको भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। सची रूड़ी बाए ओ भाजी बसंती बाए सची रूड़ी बाए बसंती बाए सची रूड़ी बाए बसंती बाए अली शान बेला तीले दा तो बोला बाए सची रूड़ी बाए बसंती बाए सची रूड़ी बाए बसंती बाए अली शान बेला तीले दा तो बोला बाए अली शान बेला तीले दा तो बोला बाए
बोली भाषा जो बचाओ अभियान के तहत 2012 से हम जो महावीर सिंह पवार जी, श्री जगमोहन सिंह रावत जी, श्री दर्शन सिंह रावत जी से अनुरोध करूंगी कृपया मंच के पास आएं। श्री ओम देवदल्ला जी, श्रीमती सुषमा चमोली जी, श्री
श्रीमती साक्षी चमोली जी और श्रीमती मीना नेगी से अनुरोध करूंगी कृपया मंच के पास आ जाएं। इस सम्मान के बाद बहुत सारे सांस्कृतिक ताली से इन सबका स्वागत कीजिए, ताली बजाते रहिए। इसके बाद मैं मयूर विहार फेज 3 से श्रीमती लक्ष्मी बिष्ट जी, श्री रमेश बिष्ट जी, श्रीमती नमिता नयाल जी, श्री प्रदीप भोटियाल जी, श्री दौलत राम भट्ट जी और श्रीमती संगीता गुसाई जी से अनुरोध करूंगी कृपया मंच के पास आ जाएं। दयाल सिंह नेगी जी अगर हो तो मंच पर आए, इसके बाद ईस्ट विनोद नगर तैयार रहे हैं। और ईस्ट के बाद वेस्ट विनोद नगर। महेशानंद जोशी जी, श्री एस एन जतली जी, श्री ऋतु पंत जी, श्रीमती सुनीता नेगी जी, श्रीमती तारा मावड़ी जी, श्री गणेश कांडपाल जी, श्रीमती उमा देवी जी और श्रीमती संजना नेगी जी। कृपया ताली में कमी नहीं होनी चाहिए, ताली बजाते रहे प्लीज।
श्री रवि नेगी जी से मेरा अनुरोध है, कृपया मंच पे आ जाएं। श्री रवि नेगी जी कृपया मंच पे आ जाएं। ये हमारी मातृभाषा का सम्मान है, शांति का सम्मान है। अगर आप लोग इसको टाइम नहीं देंगे तो आप सभी से अनुरोध है कि आप थोड़ा सा समय और बैठिए, आप सब कुर्सियों पे बैठिए आराम से। जिन लोगों का सम्मान हो गया और लोगों का भी सम्मान होना है अभी, आप लोगों से अनुरोध है कि आप बैठे। कैलाश यादव जी से अनुरोध है कि आप मंच पे आए। मोहिनी शर्मा जी आप भी मंच पे आए। इसमें असिस्टेंट कमांडर रवि खंडूड़ी जी भी हैं। खंडूड़ी जी आप भी मंच पे आए। प्रमोद बच्चे हैं, कुछ बच्चों ने और अपनी धैर्य पूर्वक बैठे। ये नहीं कि आपका सम्मान हो गया था आप चले जा रहे हैं। अभी बहुत लंबा प्रोग्राम शुरू है जो 4 बजे शुरू होना, धूप की वजह से हम प्रोग्राम जल्दी शुरू नहीं कर पाए हैं और इतना टाइम नहीं मिला है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी प्रस्तुतियां देनी है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, तो अभी हम इसको 1 घंटा और चलाने वाले हैं। आप लोग बैठिए, अगर आप लोग बैठे नहीं रहेंगे तो कार्यक्रम नहीं लगेगा। बैठिए। टीम केदार से है जो कि अपनी एक फिल्म बना रहे हैं, वो भी आप आएंगे। केदार के नाम से एक मूवी बन रही है उनकी, उसका प्रमोशन आप लोग देखेंगे। वरिष्ठ लोग बैठे हैं जिनका कि हम सभी को मंच पे नहीं आ रहा हूं, तो ये सम्मान जो है आप सभी के माध्यम से हो रहा है। आप लोग अपने आप में सभी समर्थवान, भगवान आप सभी को शक्ति दे और आपको प्रेरित करे ताकि हम अपनी मातृभाषा को बचा सकें, अपनी बोली भाषा को बचा। स्टेट होंगे जहाँ पे लोग अपनी बोली बोल रहे होंगे, तो हमें जो है केवल दिल्ली ही नहीं, हमें उत्तराखंड में भी बात करें, अपनी गढ़वाली कुमाऊं में जौनसारी हमारे वेस्ट विनोद नगर की टीम है। मेरा अनुरोध है डॉक्टर साहब से कि वेस्ट विनोद नगर वालों का भी साथ साथ कर दें, भूमिका निभाए। हम सभी का सम्मान यहाँ पे, बहुत तो धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ जो लोग हमारे बीच में आए थे, जिन लोगों ने हमें दिया। MS रावत जी बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। पूरी दिल्ली के सेंटर में जिन भी लोगों ने हमें प्रोत्साहित किया था, हमारा साथ दिया था, डॉक्टर विनोद बछेती जी जो कि हमारे जो है करते रहते हैं, और जो हमारी पूरी बोली भाषा क्लासेस के जो हमारे बच्चों को स्टेशनरी देनी होती है, उनको बैग देने होते हैं, ये सभी जो उनकी तरफ से व्यवस्था होती है। तो मैं अनुरोध करता हूँ अपने जो दूसरे समाज सेवी लोग हैं कि आप भी अपने अपनी जगह पे हाथ बटाएं और लोगों के सेंटरों के बीच में जाएं। और स्वागत समारोह में साथ दें, हमारे बीच में शर्मिला सिंह भी हैं, क्योंकि आप सभी अपने आप में यहाँ पे विनोद नगर में और सभी जगह हमारे सारे लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, साहित्यकार हैं, राजनीतिक लोग हैं, तो सभी को मंच पे बुलाना और सभी का नाम लेना जो है इस तरह से, तो सारी व्यवस्था भी जो है हम कोशिश करते हैं कि आप BL ढोंडियाल जी का ऑटोमेटिक, BL ढोंडियाल जी हमारे केंद्र प्रमुख रहे हैं उनका, BL ढोंडियाल जी आपका है केंद्र प्रमुख, आपका मैंने नाम लिया था, BL ढोंडियाल जी ग्रेट मिशन स्कूल के केंद्र प्रमुख। और मैं हमारे बीच में अमन जोशी जी आपको भूल रहा हूँ, क्योंकि आप विनोद
विनोद बछेती जी के साथ में जिस तरीके से जो ग्रेट मिशन स्कूल विनोदपुर पश्चिमी विनोद नगर में जो क्लासें लगती हैं, ये आपके सहयोग के बिना बहुत मुश्किल है। जोशी जी थे, उन्होंने हमें लगातार सहयोग दिया था और आपका स्कूल हमें सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो आपका नाम अभी हमने ला, आप हमारे केंद्र दाते हैं और आप आए और डॉक्टर विनोद बछेती जी का आपका सम्मान करेंगे। हमारे बीच में नरेंद्र कंडारी जी भी हैं, कंडारी जी आप भी आ जाएं। धन्यवाद। जो हमारे क्योंकि अलग अलग सेंटर में बहुत सारे लोगों के सहयोग से मतलब बहुत लोगों ने, नरेंद्र कंडारी जी भी थे और नीरज रतूड़ी जी भी थे जिन्होंने हमारे बच्चों को यहाँ पे सहयोग करे। और मैंने नाम लिया है कि बहुत सारे हमारे पे गेस्ट टीचर भी थे, उदयराम मंगई जी थे जिन्होंने गेस्ट टीचर की भूमिका निभाई थी, उनकी मिसेज भी थी, बहुत सारे लोग हैं। तो मैं सब आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं हमारे दीपा तिवाड़ी जिन्होंने हमारा यहाँ पे सहयोग किया था, आपका भी धन्यवाद करता हूँ। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये शिक्षकों का सम्मान है, इसके बाद हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान होना है। नवंबर में बड़ा सम्मान जहाँ पे हमारे बच्चों का 1000 से ज़्यादा बच्चे हैं, उन सभी बच्चों का सम्मान होना है। अब आप देखिए 105 शिक्षकों का, उससे ज़्यादा कार्यकर्ताओं का किस करने पर मेहनत लगती है और सारी व्यवस्था करने पे खर्चा भी होता है। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग भी मैरोली के जो लोग रह गए थे, कौन कौन है मैरोली के, श्रीमती गीता बलोदी आपका सबसे पहले नाम लिया था लेकिन आप लोग सब तक उपस्थित नहीं थे इसलिए आपका हो नहीं पाया था। कमल किशोर भट्टी उनकी तरफ से आए, भट्टी आप आए, आपने मुनीर का भारत माता की। मैं इस कार्यक्रम के लिए जितना भी धन्यवाद किया जाए और बधाई दी जाए, मैं डॉक्टर विनोद पछेती जी को जिन्होंने सभी अतिथियों का सम्मान किया और मंच संचालन के लिए धार्मिक कार्यक्रम हो राजनीतिक कार्यक्रम हो, दयाल सिंह जी का एक अपना स्थान है और मंच का संचालन बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। भगवान इनको बहुत शक्ति दे, दयाल सिंह जी को धन्यवाद। तेजपाल जी आपका आशीर्वाद बना रहे। अब जो है आप लोगों से अनुरोध है कि बैठे काला जी आ रहे हैं, सभी लोग अपनी सीट ग्रहण करें। जिनको प्लीज जो भी हमारे सेंटर के हैं आप बैठिए, आपके फोटो ऊपर हो गई है 2 मिनट के लिए। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मंडल अध्यक्ष नरेश कपूर जी, कैलाश यादव जी, हमारे आदरणीय जिला महामंत्री श्री करण कुमार जी, श्री संजीव कुमार जी और उपाध्यक्ष हमारे श्रीमान पी डी जोशी जी, श्री दयाल सिंह नेगी जी और बमगई जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस अच्छे सुंदर कार्यक्रम के लिए, भव्य कार्यक्रम के लिए श्री डॉक्टर विनोद पछेती जी का हम स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाइएगा, जोरदार ताली। धन्यवाद। प्रकाश काला जी से अनुरोध है कि जल्दी क्यों है गई अकरा, तब मैं क्यों है गई अकरा, कोई के करी छे बता, अरे तरह जिंदगी में बदला कुली दिनों सादा,
बसंत छोरी रुमा झुमा अरे तार भी बसंत छोरी रुमा झुमा अरे गौर बकरी को बस बकरी को बस अलखतायस देखो पूजा जड़ा गिले बस दब जड़ा गिले कोसा गुड़ खाओ मिथिला को नींबू खाओ तस वो तीन तेरे लंबे लटी सारा तेरे लंबे लटी मजोनी है जे तू दीदानी बोले वो की लगा वो की लगा तेरे नाम की लटी का सारा कपड़े सभी महिलाओं से रोज अगर पास नहीं करेंगे बाहर की है चकुटिया से है हमारे कुमाऊं की शान है एक बार डांस भी जरूर करेंगे अरे दात देखी धारा हक में की खारा आदु गंगा छड़ी के छे नेवारना पारा देवारना पारा मरे रे जलो खड़ी कर मेरो प्यारा वो पारे डाना पुन से पुने रे लगे करो मेरी गिरो आई रे पारे डाना अरे मैं तेरो माई दारा छुए जब गोरी के चलिए भागोली खेचिए भागोली होशिया बनाती भोसिया बनाती बधानू लोडा को पाला रूपाला लोडा थारू बोला ये बैठे चिली भागोली होशिया बनाती थारू पहाड़ों का ऊंचा डाना है भागली यतर गाऊ जानी अरे पंछी होनो वे उड़िया नो है होशिया यो भाबरा उजानी अब भाबरा तराई मजी हिट सरासरी कह की माया कमनी रे जब गोर खेचे भागोली होशिया बना है के बराबर ये गोर खेचे भागोली होशिया बना है के बराबर पठानो
गठी ननि भोगी लती पतिल मके खुबाण पाड़ो लछू नन छीना पटी अरे हित मेरी लछी पहाड़ा तो हित मेरी लछी पहाड़ा तो अब इंतजार करिए, मेरा एक गीत है लाल बोतल शराब शराब हानिकारक है। मुझे भाई आइए म्यूजिक से सराबा तूझ बड़ी खराबा लाल बोतल सराबा तूझ बड़ी खराबा अब क्या करूं रे कसम जी चूर रह गयो अब क्या करूं रे कसम जी चूर रह गयो अरे लाल बोतल सराबा तूझ बड़ी खराबा लाल बोतल सराबा तूझ बड़ी खराबा अब क्या करूं रे समझी चूर है गयो अब क्या करूं रे मैं समझी चूर है गयो अब क्या करूं रे कागजी नींबू चूसने रह गयो अब क्या करूं रे कागजी नींबू चूसने रह गयो अरे लाल बोतल शराबा तूझ बड़ी खराबा लाल बोतल शराबा तूझ बड़ी खराबा अब क्या करूं रे समझी चूर है गयो अब क्या करूं रे मैं समझी चूर है गयो अब क्या करूं रे मैं समझी चूर है गयो। धन्यवाद ध्यान लगी जी धन्यवाद। इससे पहले कि हम कार्यक्रम समापन करें, हमारे बीच में टीम केदार है, ये भी हमारी संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं। इन्होंने केदार फिल्म बना रखी है, तो ये प्रोजेक्टर पे आपको अपनी फिल्म का प्रोमो दिखा रहे हैं। आप अपने प्रोमो दिखाएं और उसके बाद हमारे सुप्रसिद्ध लोक गायक केश कठैत जी जो है कार्यक्रम का समापन अपने गाने के साथ में करेंगे, जिसमें हम सभी लोग डांस करेंगे। और हमारे भूमियाल विकास मंच के जो महासचिव हैं बहादुर सिंह नेगी जी, आप सभी का धन्यवाद करेंगे। तो ये मैं केदार टीम से आपको एक बार अवगत करा दूं, इसमें देवा धामी है, वो हीरो अभिनेता हैं, विशाल जी हैं, हर्षिता हैं, अमित हैं, अंकित हैं, रेनू बोरा हैं, अनूप सिंह नेगी हैं और ये बीरेंद्र राव जी हैं। तो आप अपना प्रोमो, आपको प्रोमो तैयार है, क्योंकि आप भी हमारी संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं, हमारे साहित्यकार हैं, इनके बीच में साहित्यकार जुड़े हुए हैं, केदार टीम इन्होंने बनाई है। तो ये प्रोमो एक फिल्म का, और आप सभी फिल्म देखने जरूर जाएं, ये भी हमारी संस्कृति को बढ़ाता है। मेरा इलाका ये पूरा देश है, पहाड़ी कहते हैं मुझे, और एक पहाड़ी अगर हाथ जोड़ना जानता है तो तोड़ना भी जानता है। ठीक कहना है काकी, पर अपने पहाड़ की पीड़ा को कौन समझता है। सूरज अस्त, पहाड़ी मस्त। इतना प्यार कभी मुझे भी कर लिया करो। राधा देखो चली जाओ। चली जाऊं मैं? नहीं जाऊंगी।
आरडी रतन धर्मा नाम है मेरा, नाम भी और काम भी, बोथ आर ग्लोबल ब्रांड। ये है इंडिया का वर्ल्ड फेमस बॉक्सर सूर्या, जिसका ओपन चैलेंज है कि कोई भी स्ट्रीट फाइटिंग बॉक्सर से लड़ सकता है। इतना आसान थोड़ी है ये मैच। लेकिन एक पहाड़ी के मान और ईमान पे शक मत करना। एक चिराग है, एक चट्टान है, तूफानों की मोड़ डगर, तूफानों की मोड़ डगर, फौलादी हूँ तेरे इरादे, ऐसा बुझाओ मैं दम भर, ऐसा बुझाओ मैं दम भर, केदारो हे चल के मधोली पहाड़ न जानो छमर छम माजिका बजारा गे बड़ दे गली छमर छमा माजिका बजारा गे बड़ दे गली छमर छमा मधुली भूमिया मन देरा भूमिया दर्शन करुंदा राम गंगा किनारा मासी मैं जी जुल मधुली भूमिया मन देरा भूमिया दर्शन करुंदा राम गंगा किनारा योला हम आशीषा पहाड़ न जानो छमरे छमा योला हम आशीषा पहाड़ न जानो छमरे हिट मेरी मधोली पहाड़ न जानो छमरे छमा हिट मेरी मधोली पहाड़ न जानो छमरे छमा सबसे 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 चकोटी बाजार देखली अग्नेरी मंदिरा गेवाड़ा मा शर देखली बैराठ का पाटा चकोटी बाजार देखली अग्नेरी मंदिरा गेवाड़ा मा शर देखली बैराठ का पाटा के भलो बैराठा पहाड़ न जानो छमरे छमा के भलो बैराठा पहाड़ न जानो छमरे छमा हिट मेरी मधोली पहाड़ न जानो छमरे छमा हिट मेरी मधोली पहाड़ न जानो छमरे छमा। थैंक यू सो मच। जो गीत दीपेश दीपलग में सर्च मार ला आप लोगों सुने मिल जा। धन्यवाद। जब तक कि हम लोग यहाँ बैठे जी, एक से पहले जी हम समापन कर ला, हम एक डांस तक समापन कर ला जी। पौन जॉनसन भाषा की प्रचार प्रसार का व्यवस्था डॉक्टर विनोद बच्छेदी जी हमारे बड़े बहन जी, जो को अथक प्रयास भगीरथ प्रयास से
शैक्षिक क्लासेस चल रहे हैं। एक समापन गीत आपका बीच में पंडो खेल पासो और मैं चंदो की भूमियाल विकास मंच उत्तराखंड भाषा साहित्य मंच और तमाम जो आप चंद आप एक गीत पर डांस अवश्य कर लिया। और भूला राहुल भट्ट और नीरज रतुड़ी अगर मेरी आवाज सुनना हो नीरज रतुड़ी जी और राहुल भट्ट मेरे तक मेरे साथ देना चल बहन जी सादर नमस्कार। हे फस के नी पांडो हे बाबा सकुनी की चाल मार हे अब ते खेल बोड़ा लो पांडो हे पासू हरे हाल मार हे पांडो खेला पासू खेला पासो पांडो खेला पासो खेला पासो पांडो खेला पासो खेला पासो। देखी जी आपने सबको तैयार कर दिया डांस के लिए। पांडो खेला पासो खेला पासो पांडो खेला पासो खेला पासो राणा जी जोशी मैडम जी आप सभी से मेरा निवेदन आप ये सुंदर ये इतना सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम पर ये मेरा हस्तिनापुर मेरा हस्तिनापुर कनी चौपड़ लगी जा कनी चौपड़ लगी जा भाई को
बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय बद्री केदार, मां भगवती नंदा, राजराजेश्वरी, जय हो। साथ दिया, मैं प्रतिभा जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि जो कि हमेशा हमारे कार्यक्रमों में आ जाते हैं और अपनी YouTube चैनल के माध्यम से हमारे प्रोग्रामों को प्रमोट करती हैं। मुकेश कठैत जी और प्रकाश काला जी, भुवन रावत जी, भगवत मनराज जी की पूरी टीम का, भूमियाल विकास मंच की पूरी टीम का और हमारे मोती शाह जी की टीम का मैं हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए हमारे साथ समाज सेवा की। जिस तरीके से ये कार्यक्रम जो है सामाजिक चीज़ के कार्यक्रम किया, मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि लोग आपसे प्रेरणा लेंगे और अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए कभी कभी ऐसे प्रोग्राम भी करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और अब ये प्रोग्राम का हम विधिवत समापन करते हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ केदार टीम से, क्योंकि आपके जो हीरो थे वो वक्त पर नहीं आ पाए, इसलिए अगर कोई लोग रहते हैं उनसे मुलाकात हो जाएगी अगर आ रहे हैं तो। अदा करता हूँ कि भाई उनका धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे बीच में, आपका नाम ही काफ़ी है तो हमारे किसी भी प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए। अगर हम केवल सम्मान समारोह करते तो मेरे को उम्मीद थी कि भाई कि पता नहीं लोग आएंगे नहीं आएंगे, तो फिर भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाम पे लोग आ जाते हैं, तो हमें आपके नाम का भी सहारा लेना पड़ा। ये जो एक विडम्बना है हमारे समाज में, हम लोगों को जो है अपने जो बोली भाषा, अपनी मातृभाषा के प्रति जो है प्यार दिखाना पड़ेगा और इन कार्यक्रमों को सफल बनाना पड़ेगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
फोन का भी टेंशन है जब फोन धोते ये नहीं पता कर अरे यार तुम अब तुम खड़े नहीं होगे तो मैं खींचूंगे कैसे लो 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 सभी को प्रणाम। मेरी फिल्म केदार आने वाली है 14 अक्टूबर को नज़दीकी सिनेमा घर में। आप फिल्म को ज़रूर देखिए। फिल्म को इसलिए देखना है, देखिए एक वक्त ऐसा आ चुका है जहां पर हमारी जो यू नो फिल्म इंडस्ट्री है थोड़ा सा डगमगा गई है और यहां पर एक पुनर्स्थापन मुझे लगता है फिल्मों का होगा। और ये उत्तराखंड के परिवेश पे फिल्म है, उत्तराखंड की बात हमने की है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ जब लाइफ हो झंड कम टू उत्तराखंड, तो लोगों को एक नई तस्वीर उत्तराखंड की दिखती है इस फिल्म में। ज़बरदस्त म्यूज़िक और इंटरनेशनल एक्टर्स भी इस फिल्म में हैं, तो बहुत सारे यू नो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अपने अस्तित्व को समझाएंगी, आपके बारे में बताएंगी। और फिल्म की अगर USP की बात करूं तो ज़बरदस्त म्यूज़िक के साथ ज़बरदस्त स्टोरी लाइन। मेरा किरदार केदार सिंह नेगी का है, एक युवा के संघर्ष की कहानी है कि कैसे पहाड़ों से वो निकलकर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एरिना में जगह बनाता है। दिस इज़ माई फिल्म इज़ ऑल अबाउट। और आप सबके सपोर्ट के बिना ये फिल्म अधूरी है। 14 अक्टूबर लिख लीजिए, याद कर लीजिए, फिल्म आ रही है, आप इस फिल्म को जरूर देखिए। नमस्कार। ओम नारायणाय नमः। हम विश्वाय नमः। माधवात् दृढाजम्य हस्तो क्षालद्रात् नारायणाय नमः। हम विश्वाय नमः। माधवाय नमः। अच्युताय नमः। गोविंदाय नमः। नारायणाय नमः। हम विश्वाय नमः। ओम अच्युताय नमः। हम विश्वाय नमः। माधवाय नमः। हम दृढाजम्य हस्तो क्षालद्रात् ॐ मा नारायणाय नमः। हं केशवाय नमः। माधवाय नमः। अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः। ॐमादित्यवचभोरुद्रा विश्वे देवामरुगणं तिलकन्दे रक्षन्तु धर्मकामार्थसिद्धये गन्धद्वारां द्वारिष्यां नित्यपुष्टां करिष्यामि ईश्वरीयगन्धानां कामभुक्तभविष्यम् आदित्यावसुरुद्रा विश्वेदेवामरुगणः तिलकन्दे रक्षन्तु धर्मकामार्थसिद्धये गन्धद्वारां द्वारिष्यां नित्यपुष्टां करिष्यामि ईश्वरीं सर्वगन्धानां कामभुक्तभविष्यम् आदित्यावशभोरुद्रा विश्वेदेवामरुगणः तिलकन्दे रक्षन्तु धर्मकामार्थसिद्धये बलभद्री विशाल भगवान की जय। ॐ मान शांताकारं वैशयनं वरदनाभं सुदेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगवृक्षानतं वंदे।